खोलो सर चालू किया करा चालू दोस्तों। आपने पहले जो वीडियो देखा है टर्बो चार्जर का असेंबली का अनबॉक्सिंग का, वो टर्बो चार्जर हम एक नए मशीन में हम फिट करने वाले हैं। ओके, तो हम वो क्यों फिट करने वाले उसका मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ। दूसरे वीडियो में आपने रीज़न देखा है, वो रीज़न ऐसा है कि ऑयल फेंक रहा है टर्बो चार्जर की तरफ से पेपर पर। ओके, तो वो ऑयल का लीकेज क्यों हो रहा है? ऑयल का लीकेज इसलिए होता है दोस्तों, टर्बो चार्जर के अंदर का जो सील होता है वो कटने के कारण उसके अंदर प्ले आ जाता है टर्बो चार्जर के फैन के अंदर। तो प्ले आने के कारण ये लीकेज मारता है हमारा ऑयल का, और वाइट स्मोक ऊपर से साइलेंसर से फेंकता है वो। तो उसका वीडियो तो नहीं है मेरे पास वाइट स्मोक का, बट वाइट स्मोक करता है मशीन। ओके, और एक दूसरा एक रीज़न है जिसके कारण टर्बो चार्जर हमें चेंज करने पड़ता है। एक जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे इंजन का, तो टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न ये होता है कि उसके अंदर का जो फ़ैन है उसका प्ले अगर बढ़ गया है, प्ले बढ़ने के कारण वो साइलेंसर गर्म होता है, हमारा इंजन गर्म होता है। ओके, तो तब भी हमें टर्बो चार्जर चेंज करना पड़ता है। ये दो रीज़न मुझे अभी तक के पता है। तो दोस्तों आप देखते चलिए वीडियो, ये हमारा वीडियो है। इसमें हमने सबसे पहले वो देखा, सबसे पहले हमने हमारा इंजन का वो एक पार्ट होता है एग्जॉस्ट का वो देखा। उसके बाद ये एक दूसरा है, ये होज़ है, ये होज़ को भी हमने निकालना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, वो जो होज़ हमने निकाला वो यहाँ से यहाँ तक का वो होज़ हमें निकालना ज़रूरी होता है। ओके, निकालने के बाद फिर वो वाटर सेपरेटर आप देख रहे हो वो भी निकालना ज़रूरी होता है। और ये वीडियो में आप देख रहे हो जो भी मतलब वो हमें टर्बो चार्जर निकालने के आजू बाजू की जो भी चीज़ें वो निकालना ज़रूरी होती है। ओके, ये जो पार्ट जूम किया वहाँ का भी अभी आप देख रहे, ये जो दोस्त ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये फ़ैन का प्ले कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो ये फ़ैन का प्ले बढ़ने का कारण ये है कि इसके अंदर की जो सील रहती है वो कट जाती है। वो एक तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, एक तो हमें बदलने पड़ता है। ये दूसरा तरफ का फ़ैन है, इसके भी अंदर का प्ले बढ़ गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये प्ले बहुत कम रहता है नए टर्बो चार्जर में या कोई भी टर्बो चार्जर में, इतना ज़्यादा प्ले मतलब नहीं होना चाहिए। अगर प्ले होता है तो जो मैंने आपको रीज़न बताए वो होते हैं मशीन में। ओके, अभी दोस्तों ये देख रहे हैं आप कि हमने बदलने के बाद हमने ट्रायल लिया मशीन का, तो वो मशीन एकदम ओके चल रही थी। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि आप देख रहे हैं जो इमेज में ये टोटल ये वो जो होज़ पाइप निकाला, वाटर सेपरेटर थोड़ा साइड में कर लेने का है। उसके बाद वो जो ब्लैक कलर का जो एल टाइप था वो मैंने आपको बताया था वीडियो में 5 सेकंड का, उसमें वो भी निकाल के टर्बो चार्जर पूरी तरह से निकालने पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए वो मतलब वीडियो में आपको नहीं इतना समझ में आएगा। प्रैक्टिकल अगर आपके कोई सीनियर साथ में होंगे या कोई दो आदमी होंगे आपकी कंपनी के तो ही वो करे। ओके, मेरा मतलब है दोस्तों जो भी आप काम करेंगे तो आपके साथ में ही करें, किसी की निगरानी में करें, अगर पूरा एक्सपीरियंस हो तो ही करें, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। ये वीडियो जो मैं आप बना रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ ये खाली इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए। सो इस तरह से दोस्तों हमने टर्बो चार्जर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, टर्बो चार्जर का असेंबली क्या है, क्यों निकालने पड़ता है, उसके दो चार रीजंस कि क्यों मतलब बदलने पड़ता है हमें हमारे BS4 मशीन का JCB का टर्बो चार्जर असेंबली। सो इस तरह से हमने वीडियो में देखा कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं निकालने के और उसको फिटिंग के, और इस दौरान हमें कैसे कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेके काम करने पड़ता है वो भी हमने देखा। आई होप कि आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होंगी।
ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आते होंगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों, एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।